फ्लिपकार्ट के सभी सेलर प्रोसेसेस की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन को सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो सेलर्स, आज हम बात करेंगे ग्रोथ सेंट्रल पेज के बारे में। ग्रोथ सेंट्रल खास तौर पर आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ग्रोथ सेंट्रल में हम आपके साथ साथ आपके कंपेटिटर्स के बिजनेस को भी गहराई से समझते हैं, अच्छी तरह से मार्केट रिसर्च करते हैं और फिर इनके आधार पर तय सीमा में आपको निश्चित बिजनेस गोल्स हासिल करने में मदद करते हैं। इसके लिए हम आपको सिर्फ बिजनेस संबंधी सलाह ही नहीं देते, बल्कि साथ साथ आपको ऐसे लक्ष्य हासिल करने का तरीका भी सुझाते हैं जिससे कि सेलर के रूप में आपकी साख, सेल और मुनाफा तीनों ही बेहतर हो पाए। ग्रोथ सेंट्रल पेज तक पहुंचने के लिए अपने सेलर हब अकाउंट में लॉगिन करें और फिर ग्रोथ टैब पर क्लिक करें। इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप ग्रोथ सेंट्रल सिलेक्ट कर सकते हैं। ग्रोथ सेंट्रल पेज तीन हिस्सों में बांटा गया है। सेक्शन एक में आपको वो बिजनेस गोल सुझाए जाएंगे जिनके लिए काम करके आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। सेक्शन दो में आपको ऐसी जरूरी सलाह दी जाती है जिन पर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए। सेक्शन तीन आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर इस तरह के बदलावों का सुझाव देता है जो कि फ्लिपकार्ट पर आपका बिजनेस बढ़ाने में मददगार होते हैं। वैसे तो फ्लिपकार्ट सेलर हब का मकसद ही आपके बिजनेस को ज्यादा फायदेमंद बनाने में मदद करना है, ग्रोथ सेंट्रल की मदद से कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनको स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड तरीके से पूरा करके आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। मगर ग्रोथ सेंट्रल की खास बात ये है कि यहाँ आपको इस तरह के बिजनेस लक्ष्य दिए जाते हैं जो कि आप चाहें तो एक तय समय सीमा में हासिल कर अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। इस पेज पर दिए गए अलग अलग कार्ड्स का इस्तेमाल कर आप आसानी से अपने बिजनेस की प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही लगातार इस बात पर नजर भी बनाए रख सकते हैं कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको और क्या क्या करना होगा। ग्रोथ सेंट्रल पर एक ही पेज पर वो सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो कि खास तौर पर आपके बिजनेस को बेहतर बनाने और बढ़ाने में कारगर साबित होंगी। तो अब जबकि आप जानते हैं कि ग्रोथ सेंट्रल आपके कितने काम आ सकता है, आइए इसके तीनों सेक्शंस के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। सेक्शन एक, अगर आप अपनी कैटेगरी के टॉप 5% सेलर्स में शामिल होना चाहते हैं तो यहाँ आपको अपने लिए वो सेल टारगेट भी मिल जाएंगे जिन्हें हासिल कर आप टॉप 5% में शामिल हो सकते हैं और साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि अपने टारगेट हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। इस सेक्शन में आप जान सकते हैं एक, अपनी रैंकिंग, दो, अपने जरूरी बिजनेस गोल्स, तीन, गोल हासिल करने के लिए हमारी रेकमेंडेशन और चार, साथ ही आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के कितना करीब हैं। आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के आधार पर हम आपको कुछ खास तरीके के बदलाव करने का सुझाव देते हैं, जैसे एक, प्राइस रिकमेंडेशन। इससे आपको पता चल जाएगा कि अपने प्रोडक्ट की प्राइस में क्या बदलाव कर आप ज्यादा ग्राहक आकर्षित कर सकते हैं। दो, नए प्रोडक्ट। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि अपनी लिस्टिंग में कौन से नए प्रोडक्ट जोड़कर आप अपनी कुल सेल बढ़ा सकते हैं। तीन, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। यहाँ आप अपने एडवर्टाइजिंग बजट को समझदारी से खर्च करने के गुर सीख सकते हैं ताकि सटीक टारगेट ग्राहकों तक पहुंचकर आप अपनी सेल बढ़ा सकें। चार, प्रमोशन। फ्लिपकार्ट अक्सर अलग अलग प्रमोशंस ऑर्गेनाइज करता रहता है। यहाँ आपको उन सभी प्रमोशंस की जानकारी मिलती है जिसमें आपको हिस्सा लेना चाहिए और साथ ही आप ये भी जान सकते हैं कि कितने प्रमोशंस में शामिल होकर आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। पांच, कन्वर्जन रेट। एफ अशोर्ड बैच हमारे सेलर्स का कन्वर्जन रेट बढ़ाने में बहुत काम का साबित हुआ है। यहाँ आप जान सकते हैं कि आपको अपनी ट्रांजैक्शन लिस्ट में कितने FA एफ अशोर्ड यूनिट्स को शामिल करना चाहिए। छह, फ्लिपकार्ट वेयरहाउस ऑर्डर्स।
यहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको फ्लिपकार्ट वेयरहाउस में कितनी इन्वेंट्री रखनी चाहिए ताकि कोई भी ऑर्डर मिस न हो। साथ स्मार्ट फुलफिलमेंट ऑर्डर्स, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट इन्वेंट्री फुलफिल करने के लिए आपको क्या करना होगा। यहाँ ये याद रखें कि एक बार में आप सिर्फ वो चार लक्ष्य देख पाएंगे जिनमें आपको तुरंत सुधार लाना चाहिए। सेक्शन 2, तुरंत अपनी सेल बढ़ाने के लिए रेकमेंडेशन। यहाँ आप उन सब कामों की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें पूरा करके आप अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। इस सेक्शन में तुरंत बदलाव कर मुनाफा बढ़ाने के लिए आप जो रेकमेंडेशन देख सकते हैं उनमें शामिल है 1. एडवर्टाइजिंग, 2. प्राइस, 3. प्रोडक्ट रेटिंग, 4. सेलर स्कोर, 5. प्रोसेस SLA, 6. एक्सप्रेस अडॉप्शन, 7. रिटर्न, 8. ट्रेंडिंग टियर। नोट, हालांकि यहाँ आपको एक बार में सिर्फ 3 सबसे जरूरी इनसाइट्स दिखेंगे, लेकिन ये याद रखें कि फ्लिपकार्ट सेलर हब के किसी भी पेज पर दी हुई सभी रिकमेंडेशंस आपकी सेल बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती हैं। सेक्शन 3 में आपको वो सभी रिकमेंडेशन मिलती हैं जिनको अपनाकर आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस और आपके तय लक्ष्य को ध्यान में रखकर यहाँ ऐसे सभी कामों, जानकारियों और सलाहों की पूरी लिस्ट दी गई है जिनकी मदद से आपका बिजनेस बेहतर हो सकता है। सेक्शन 3 में दी गई रेकमेंडेशंस आपके 1. परफॉर्मेंस ओवरव्यू पेज, 2. सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट, 3. अर्न मोर पेज, 4. रिटर्न पेज और 5. कैंसिलेशन पेज पर उपलब्ध डेटा के हिसाब से तैयार की जाती है। नोट, यहाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस सेक्शन में दी गई रेकमेंडेशन हर 24 घंटे में अपडेट की जाती है। अब जबकि आप जानते हैं कि ग्रोथ सेंट्रल कैसे आपकी सेल बढ़ाने में मदद कर आपके बिजनेस को बेहतर बना सकता है, हमें यकीन है कि आप यहाँ दी हुई रेकमेंडेशन का समझदारी से भरपूर इस्तेमाल करते जाएंगे और फ्लिपकार्ट के साथ तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। बस अब हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स और ढेर सारी जानकारियां लेकर हम जल्द वापस आएंगे इसी चैनल पर।